so don't leave me alone. So hey guys, this is Riya Chaudhary and welcome back to my new vlog. Sunday है और आज नाश्ता तो हम मतलब आज क्या हम नाश्ता लेट ही खाते हैं संडे में, क्योंकि आराम से सो के उठते हैं, नींद पूरी करते हैं. तो अभी इन लोगों का मन था चीला खाने का. मैंने टेस्टी टेस्टी से चीले बना रही हूँ मैं. और नीचे हमारे ही टावर में है आज भंडारा, तो उसको एंजॉय करेंगे दोपहर में जाके. एक तो यहाँ पे बना दिया है और एक बनने वाला है. बेसन के बनाए हैं सिंपल, बस इसमें कुछ वेजेस वेजेस तो नहीं डाली है. चाय गर्म होगी और तो तू लेके चली जा सिम में. हाँ, कल मार्केट से लेके आए हैं पिंक पिंक पिंक, इसमें पिएगी आज ये चाय. लेकिन यार अभी अच्छे नहीं लग रहे मुझे. अरे कोई नहीं, चाय तो पीनी है. मानसी इसमें ऐसे घुस के खाना खाएगी. खाना खा पहले सही से. इन लोगों का तो मुझे बिल्कुल नहीं पता ये कब में जाएंगे, क्यों सर पे मेहंदी लपेट लपेट के बैठ गए हैं ये. मैं नीचे से जाके अपना खाना लेके आ जाती हूँ. बिल्कुल नीचे हमारे टावर में हो रहा है तो ज्यादा दूर नहीं जाने की जरूरत है. कितनी गंदी हालत करके बैठी है अपने सर की ये. और सर सर की नहीं, यहाँ की भी हालत खराब कर रखी है जहाँ पे बैठ कर लगाई इन्होंने मेहंदी. और ऐसे ही ये ओके पे क्लिक कर, मुझे गोबर लग रहा है ये. बिल्कुल सर पे लगाओ, तू मत लगा लेना सिम में. मैं नीचे जा रही हूँ, चलना है मेरे साथ. अभी चल रही है क्या? हाँ बस बाल कर ली. कुछ नहीं करना बालों का? अच्छा ये पानी निकल रहा है. छोटा सा तौलिया यहाँ पे रख ले कंधे पे, छोटे वाला. बस चलना. नहीं नहीं, वो खड़ी है सिम्मी, आई नहीं मेरे साथ बिल्कुल भी. तो ये रहा हमारा टावर, यहाँ खाने का लगा हुआ है, यहाँ बैठ के सब लोग खा रहे हैं. पीछे से लाइन लगी है, लाइट में लग के पीछे से मैं भी ले लेती हूँ. ऐसे निकालो, निकालो. अच्छा हमारे टावर वालों ने एक चीज बड़ी अच्छी कर रखी है, वो ये है कि तीन जगह काउंटर लगा रखे हैं अलग अलग जगह, तो जिसकी वजह से भीड़ नहीं हो रही है, सबको प्रॉपरली मिल रहा है. मैंने तो ले लिया है. गेट खुला तो पड़ा है हमारा, बिल्कुल ही खुला पड़ा है, तो इसलिए मुझे मतलब उनका मैनेजमेंट अच्छा लग रहा है और चीज़ें भी थोड़ा एक्स्ट्रा कर रखी है, तो इन्होंने थोड़ा बेहतर कर रखा है. और उसे बिल्कुल तीन अलग अलग जगह पे काउंटर्स लगा रखे हैं उन्होंने. बहुत गंदा लग रहा है, सिर पे धो ले यार प्लीज़ इसको. तीन घंटे बाद फिर खाना ले आओ पहले जाके, फिर तुम ले आओ. हैं मैं नहीं जाऊँगी, सॉरी. अभी इसे करने बैठ गई, जल ले या ना खा ले गरम गरम खा के एक साइड. क्या बनाया खाने में? तो मतलब एक तो वो काबुली चने वाला प्रसाद हो जाता है, हलवे का हो जाता है, कद्दू है, सब्जी है, पूरी है. चल ले आ जा तू. ये थोड़ी सी टाइट हो जाती है ना, फिर खाई नहीं जाती. कल हम मार्केट गए थे जिसकी वजह से कल एक इंसिडेंस हुआ कि हमारा बैग एक ऑटो वाले के उसमें रह गया था जो हमने ऑटो बुक किया था. तो अभी क्या है वो जैसे कैसे उस ऑटो वालों का पता निकलवाया, अब वो आ तो गया, उसे कॉन्टेक्ट तो हमने कर लिया है, अब उसने बैग अपना वापस लेना है. उसमें बहुत सारी चीज़ें थी हमारी बैग पर, बेचारा अच्छा था जो आ गया. खैर थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच. निकाल ले बैग. सो नहा धो के मैं अब रेडी हो चुकी हूँ हेलमेट वगैरह लगा के, क्योंकि अभी हमें जाना है डी मार्ट और वहाँ से सामान लेके आना है. तो मैं और रिंकुल जा रहे हैं, बैग पकड़ के बैठने के लिए एक बंदे की जरूरत होती है, तो मैं जा रही हूँ. वो लोग तो सो गए, तूने मुझे डरा दिया. बैग उठा. कौन सा वाला बैग? जिसमें हम बहुत सारे बड़े वाला बैग उठाना है. ओके इन्होंने तो खाना खाया नीचे से लेके और ये दोनों सो गई. हाँ मुझे नहीं भी याद लास्ट टाइम तुमने कहाँ रखा था. ये पानी क्यों गिराया? शाम का टाइम हो चुका है, 5:11 हो गई है, तो अब सब कुछ शांत हो चुका है पीछे, लेकिन खाना अब भी मिल रहा है. हमारी तो स्कूटी यहाँ से हटवा दी थी भंडारे की वजह से, मेरे को पता ही नहीं रिंकुल कहाँ गई है. यहाँ पे तो नहीं है जहाँ पे खड़े करते थे. सब कुछ ही खाली हो गया है, बस वहाँ पे थोड़ा सा खाना अभी जो बाकी बचा है वो अभी दे रहे हैं यहाँ पे. पर रिंकुल का नहीं पता लग रहा कहाँ चली गई. ये आ गई है इधर से कहीं से लेके आई है, मुझे बता के नहीं गई कहाँ कर रखी थी खड़ी. लो आ गए हम अपने डी मार्ट, रिंकुल तो उधर अपनी स्कूटी खड़ी करने के लिए गई हुई है. यहाँ पे तो वैसे ये लोग शूट करने नहीं देते, लेकिन लुक छुप के हम कर लेते हैं. पिछली बार से खुश ही नहीं कर पाई थी, मेरे को तो आदत हो गई है, मैं कर लेती हूँ. अभी यहाँ पे इसमें रख के जाना पड़ रहा है क्योंकि डिक्की में दोनों एक साथ आते ही नहीं है. और ट्रॉली भी थोड़ी देर से मिली क्योंकि आज भीड़ बहुत ज़्यादा है. तीन कितने बड़े वाला कैन ले लेंगे, इतनी छोटी छोटी तीन बोतल ले लेंगे. बोतल का क्या करेंगे, कैन ले लें. ए सुन
बड़ी चीज लेते हैं ना तो उसमें फायदा रहता है, छोटी छोटी 12 चीजें लेंगे उसमें फायदा नहीं होगा। अरे यार पोस्टिंग में ना कैन पर ही ये आटा लेने के लिए गई थी, आटा बनाने, आटा चक्की में घुस गई थी क्या? पैकेट फटा हुआ था ना। अच्छा चलो इसको निकाल के लेके आओ इधर, ये ले लिया हमने, वो नीचे छोड़ दी ट्रॉली क्योंकि भीड़ बहुत थी ना। नहीं जल्दी की कोशिश कर लो, लेकिन लेट हमें हो ही जाता है, रात भी हो जाती है, हो गई है रात। थोड़ा सा ना एक लेडी ने थोड़ी सी ज़्यादा चीप हरकत सी दिखाई, वो अब मेरा एक प्रोडक्ट उसने नहीं बिल होने दी, उसकी बिलिंग नहीं होने दी, अपने 1000 प्रोडक्ट किए जबकि उसके हस्बैंड ने भी बोला कि करने दो, बट चीप जो लोग होते हैं ना वो चीपनेस तो दिखाते ही हैं। तो अभी बस 3 बैग लेके आए थे, इनमें सामान हो जाएगा। एक वो बड़े वाला बैग ना वो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है क्योंकि 3 अलग अलग तो अलग अलग जगह पे रख सकते हैं, बट उसको एक साथ ही उठा के लेके जाना पड़ता है, तो उस बार उसको नहीं लेके आए। सामान भी हमने नॉर्मल सा ही लिया है, ना ज़्यादा ना कम, मतलब ठीक ठाक सा करके ले लिया क्योंकि पहले ऑलरेडी हमारे पास सामान था। और डी मार्ट ना दिवाली आने वाली है तो डी मार्ट में सज चुका है। क्या अरे ये चावल या आटा निकालने के लिए होगा आई थिंक, है ना? इसमें इन वाले बैग में ज्यादा मत करना, इन वाले में ज्यादा करना, हाँ वो उस हिसाब से सामान अलग अलग कर देना, जो जो अलग अलग कैटेगरी का सामान है आएगा, नहीं टूटेगा सारा सामान इसमें से निकाल लेंगे। 3 बैग है, तीनों ऐसे करके लेके चलने पड़ेंगे। तो आटे वाला यहाँ पे रख दिया, और एक ये रहा और एक ये रहा, और एक मैंने ये टंगा लिया अपने पीछे, बैठूंगी काम मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं तो ये सामान लेके आ चुकी हूँ, ये मैं और ये रिंकुल मैडम मिरर के उस पार है, ये पार्किंग में है और मेरे को जाना है तो मैं लेके जा रही हूँ। पहलवान साहब ये उठा के मैं पार्सल बंद करके चले गए थे। पकड़ पकड़ पकड़। क्या आप हमें पार्सल बंद करके चले गए थे क्योंकि तुम सो रहे थे? क्या होना था, क्या होना था? मैजिक शो नीचे। हाँ सो रहे थे, मुझे लगा कि शायद ये कह रही थी कि अगर हम आएंगे बैल बजाएंगे तो परेशानी होगी, इसलिए हम तो इसलिए पकड़ो निकाल लो मैं तो सब में से सामान। मानसी बनाएगा भाई चाय वाय कुछ तो तैयार करा होगा। चाय रखी नहीं, चाय कहाँ रखी आपके सर पे, ये देखियो टेबल की हालत। अच्छा यहाँ कह रहे क्या, हम गैस पे कह रहे मगर रखे क्या? रेडी है ना, ले आओ भूख लग रही, चलो हमने पासवर्ड नहीं लगाया हटा दो। क्यों सही से फ्राई नहीं किया क्या इन्हें? सारा सामान फैला के बैठ गई सिम्मी है, एक हाँ एक एक सामान महारानी ने बैठ के चेक किया, ठीक है अब बोल रहे समेट लो। पर हमारे मतलब तो कुछ निकला ही नहीं इसमें, सब तुम्हारे ही तो मतलब का है। चॉकलेट है बाबू, ये किसके लिए है? तेरे लिए। क्या रखेगी तू उसमें? तो सामान तो सबने रखना शुरू कर दिया है, और मानसी वहाँ पे, मानसी को एक नया स्पेस मिला है किचन में। कौन सा? ये वाला है, और ये इतना एरिया यहाँ से लेके वहां तक पूरा खाली है, और ये था चिमनी के नाम का, तो हम उसको तो यूज नहीं करते, एग्जॉस्ट फैन से सब कुछ अच्छे से हो जाता है। और ये हॉल था, और एकदम बिल्कुल हमने देखा अंदर झांक के बिल्कुल एकदम फ्रेश अच्छे से पड़ा, तो हमने कुछ सामान वहां पे ठूस दिया। हाँ और सुन मेरी बात, जो सामान हम डेली यूज करते हैं उसको ज्यादा ऊपर मत रखो। नहीं बस यहाँ पे रखा है सब। ओके तो जब तक ये लोग यहाँ पे ये सेट कर रहे हैं तब तक मैं ये ऑयल डिस्पेंसर और ये बोतल वगैरह साफ कर दूँ। बोतल मैंने भर ली है सारी फ्रिज की है। फ्रिज की से यस बोलो।